भागलपुर में आज दो केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कि एक तो बांका से होकर आया है जो क्वारंटाइन में है, उसका सोर्स संभवतः कलकत्ता है, और जो दूसरा है वो मुंबई का है और कजरेली के क्षेत्र से हमें मिला है। मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो मैंने आज मेरी जानकारी है, मैंने जो देखा है कि जो लॉकडाउन की बात है, लेकिन जो परिस्थितियां चारों तरफ है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। लोग बाग चारों तरफ घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल भी लगभग भूल रहे हैं, ये सब अच्छी बातें नहीं है। और एक दूसरे के पास न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा जा रहा है, न यूनिवर्सल मास्किंग यानी हर व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए, उसका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं शायद कि आने वाला जो एक महीना होगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। हम में से किसको कोरोना है कोई नहीं जानता है, क्योंकि 80% लोगों को लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो कोरोना के वाहक होते हैं, कोरोना वायरस के कैरियर हो जाते हैं। और आप नहीं एक दूसरे से सावधानी रखेंगे तो आने वाला समय बहुत ही खराब होने जा रहा है, क्योंकि अगर एक बार आप इसके चक्कर में फंस गए, अगर आपकी उम्र खासकर 60 से ज्यादा हो, अगर आपको डायबिटीज है, क्योंकि अमूमन आजकल 12% लोगों को डायबिटीज होती है, अगर आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जो लगभग 30% लोगों को 40 वर्ष की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर होती है, आपको हृदय रोग है, आपको सांस की दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, अगर ऐसी कोई भी बात है आपको, और अगर आपको कोरोना वायरस प्रभावित करता है, तो फिर बंधु कहना मुश्किल है कि हम आपकी जान बचा पाएंगे या न बचा पाएंगे। मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध रहता है कि प्रिवेंशन यानी सावधानी ही इसका एकमात्र बचाव है, क्योंकि इसमें दवाओं की प्रचुरता है ही नहीं, इसकी दवाएं उपलब्ध नहीं है। पूरे विश्व में अभी भी कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो कोरोना से लड़ा सके, और सिर्फ एक दवा रेमडेसिविर जिस पर चर्चाएं अभी हो रही हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगी दवा होगी और उसकी उपलब्धता भी बहुत ही कम है। इसलिए मैं हमेशा अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि कृपा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बराबर हाथ साफ करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर अपना काम करें। मैं नहीं कहता हूं ऐसा कि आप बाजार न जाएं या मार्केटिंग न करें, जो समय सरकार ने निर्धारित किया है उसी समय में जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी एक दूसरे से बीच 2 मीटर की दूरी कम से कम अवश्य बनाए। नहीं तो बिहार का मेरा जो ग्राफ है, जो अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, शायद बहुत तेजी से ऊपर चला जाए। आज भागलपुर में 2 नए केस मिले हैं, और पहले से जो हमारे यहाँ इलाज जिनका चल रहा है मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में, वो 12 केस है, तो कुल 14 केस हमारे यहाँ आज हो गए, और 8 केस यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं, तो कुल अगर आप देखेंगे तो 14 और 8 यानी 22 केस हमारे पास अभी कोरोना पॉजिटिव के हैं। जेनेरल स्टेज में जो टेस्टिंग हो रही है, अभी मुझे ये कहना होगा कि इसकी रफ्तार अभी बहुत ही धीमी है। अभी जो हाथ तक संभव अभी तुरंत इन्होंने शुरुआत की है, और एक दिन में एक बार में एक सिटिंग में ये 11 केस की टेस्ट कर सकते हैं, और दो अगर ये हमेशा राउंड द क्लॉक चले 24x7 के हिसाब से, यानी 4 शिफ्ट में अगर ये केस चलेगा जांच का, तो 40 से 45 केस प्रतिदिन होंगे। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि अभी हम लोग 1 ही 2 शिफ्ट कर पा रहे हैं, और कुछ कमियां हैं जरूर, अभी शुरुआती समय है, लेकिन ये बढ़ जाएगी, संख्या बल हमारा बढ़ेगा, और अगर हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं तो हम 40 से 50 लोगों की प्रतिदिन जांच कर सकेंगे, और ये जांच लगभग हमें 2 घंटे में मिल जाती है इनकी।